Hello everyone, this is DF and today we will learn here in this class about the permutation and we will solve the question find the value of n if np2 is equal to 20. Means we have to solve here the permutation. Yes friend, this question asked many times in the competitive exam. So friend, the question how it is solved हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स उसको देखते हैं. फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है परम्यूटेशन. तो फ्रेंड्स एज वी नो अबाउट दिस फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का फार्मूला जो होता है फ्रेंड वो n यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो ये n फैक्टोरियल हो जाता है और फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में हमें n और जबकि r की जगह पे हमें वैल्यू है दैट इज द 2 फ्रेंड्स n माइनस 2 और ये हो गया फैक्टोरियल. उसके बाद फ्रेंड राइट हैंड साइड में हमें 20 है. यस फ्रेंड 20. अब क्या करना है, अब n फैक्टोरियल को फ्रेंड्स हम एक्सपांड करेंगे. कहां तक करेंगे फ्रेंड्स, n माइनस 2 तक करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है. तो फ्रेंड्स इसको हम n, उसके बाद आ जाएगा n माइनस 1 फिर n माइनस 2. यस फ्रेंड यहां पे फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल. यस फ्रेंड और राइट हैंड साइड में 20. ये n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा न्यूमिरेटर में जो वैल्यू रह जाता है वो n n को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फ्रेंड्स ये n स्क्वायर और प्लस इनटू माइनस ये माइनस और फिर से ये n इज इक्वल टू फ्रेंड्स 20. फ्रेंड्स इस 20 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल 0. ये फ्रेंड अब हमें जैसा कि पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यस फ्रेंड हमें n का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे n के, जो हमारा वैल्यू आएगा वो n का रिक्वायर्ड वैल्यू निकले मिलेगा. तो फ्रेंड इस पे हमारे सबसे पहले देखेंगे ब्रेकिंग मेथड करेंगे इसके फैक्टर निकालने के लिए. तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस n माइनस 20 n स्क्वायर. तो फ्रेंड इस जो मिडिल टर्म को इस तरह हम ब्रेक करते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट और बीच वाले का सम आ जाए. तो फ्रेंड इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एन स्क्वायर. अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम रखें माइनस के 5n और प्लस के रखें 4n और यहाँ पे रखें माइनस के 20 तो क्या रिजल्ट सेम आती है फ्रेंड? माइनस के 5n प्लस के 4n तो रिमेनिंग जो सम माइनस और प्लस करते हैं तो यहाँ पे माइनस की n रह जाती है और माइनस इंटू प्लस फ्रेंड्स माइनस 4 5 20 और n स्क्वायर. फ्रेंड्स यहां तक हमारी इक्वेशन हो गई राइट. अब यहां से n निकालेंगे बाहर तो फ्रेंड्स यहां पे जो फैक्टर हमारा मिल रहा है वो n माइनस 5 और यहां से प्लस के 4 बार तो फ्रेंड यहां पे हो जाएगा n माइनस 5. ये फ्रेंड एक हमारा फैक्टर आ गया n माइनस 5 और दूसरा n प्लस 4 इज इक्वल 0. तो फ्रेंड्स इसको आगे भी सॉल्व करेंगे और किस तरह होगा, ये n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0. फ्रेंड एक वैल्यू n का हमें मिल गया है n इज इक्वल टू प्लस के 5 और दूसरा मिल गया है हमें n इज इक्वल टू माइनस 4. तो एक्सेप्टेबल वैल्यू n इज इक्वल टू 5 मीन्स n का जो वैल्यू फ्रेंड 5. अब दोस्तों को यहां तक ये प्रॉब्लम जो परम्यूटेशन पे हमने सॉल्व किया समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत आसान है सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना. फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे एक्सरसाइज में और स्पेशली टेक्स्ट बुक में एग्जांपल हैं, आप घर बैठ के इस तरह वैल्यूज मालूम कर सकते हैं. फ्रेंड जो नेगेटिव वाले वैल्यू थे उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, मीन्स कंसीडर नहीं करते. जो पॉजिटिव वैल्यू वाला आता है उसको हम कंसीडर करते हैं. तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.